सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप भारतीय टीम को अच्छी टीम मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टॉस जीतने के बाद मुकाबले में लोकेश राहुल मैच की चौथी ही गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। के एल राहुल के आउट होने के बाद चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए, जहां पर पृथ्वी शॉ और चेतेश्वर पुजारा शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। लंच तक भारतीय क्रिकेट टीम का एक विकेट गिरा था और 133 रनों का स्कोर हो चुका था। लंच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पृथ्वी शॉ ने अपने पहले टेस्ट मैच के पहली पारी में शानदार शतक लगाकर यह साबित कर दिया है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में एक लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं और उनका बल्ला इसी तरह मैदान में आग बोलता हुआ दिखाई देगा। पृथ्वी शॉ की शानदार पारी देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ अन्य खिलाड़ियों ने तालियों से स्वागत किया। वहीं पर मैदान में मौजूद सभी भारतीय दर्शकों ने पृथ्वी शॉ की इस तूफानी पारी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत बधाइयां दी। दोस्तों, भारत इस टेस्ट में जीत हासिल कर पाएगा या नहीं पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।